ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर देखेंगे छतरपुर से। छतरपुर के बिजावर में एक व्यक्ति भगोला आदिवासी उस वक्त हैरान रह गया जब 3 साल पहले गायब हुआ उसका बेटा उसके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया। 3 साल पहले उसने मोना सैया जंगल में मिले एक कंकाल की पहचान अपने बेटे के रूप में की और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लॉकडाउन के इस दौर में गायब युवक उदय आदिवासी अचानक डेलारी गांव पहुंचा तो परिजन हक्का बक्का रह गए। युवक ने बताया कि परिवार से नाराज होकर वो गुड़गावा चला गया था और वहां एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। परिजनों ने बेटे के लौटने की जानकारी पुलिस को दी। इससे पहले पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि जिस कंकाल का अंतिम संस्कार किया गया था आखिर वो किसका था। अब पुलिस बंद हो चुकी फाइलों को फिर से खोलकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। डेट में दूसरा चांद लगे कि जो हमारा लड़का का डेट पहनते और लड़का है तो उसको आदमी ने थर्ड रूप प्लस की धमकी दी तो जो भग गो तो निम्न सिंह जी जाने कहा कितने दिन में पहुंची। अच्छा जी रवास और 3 साढ़े 3 साल है आने रहो और जो लॉकडाउन लगा से जब वापस रह आ रहा हम और कोई संपर्क नहीं संपर्क होती तो कहें जरा पूजा रूपा की था से पूछताछ की। रतीश ने बताया कि मैं उस समय में बगैर बताए चला गया था दिल्ली। दिल्ली और गुड़गांव में मैं मजदूरी करता था जहाँ मकान बनते थे लेबर भी करता था और अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर सभी लेबर को वापिस कर दिया तो ये वहाँ से वापिस आ गया है। परसों में घर पे आया और सुबह कल चौकी पर पहुंचा और इसने बताया कि मैं आ गया हूँ। इसको दस्तयाब किया गया है। इससे पूछताछ करके कथन ले गए हैं।